Good morning everyone, myself Dr. Harvind Singh. Today we will discuss about descent of the testis. Descent of the testis की अगर बात करें तो main जो हमारा testis intrauterine life में develop होता है तो ये intra-abdominal part, abdominal cavity से आपका development हो रहा होता है, but abdominal cavity का temperature इसके spermatogenesis के लिए favorable नहीं होता, ज़्यादा temperature की वजह से ये descending down towards the इट विल बी डिसेंडिंग नॉट टूवर्ड्स द स्क्रोटल सैक. सम प्रोसेस होते हैं जो कि कई फैक्टर होते हैं जो कि इसको डिसेंड कर रहे होते हैं, जैसे कि ग्रोइंग फैक्टर ऑफ द एबडोमिनल वॉल, दूसरा एबडोमिनल प्रेशर, तीसरा मेल हार्मोन्स इसके फैक्टर्स में आता है, तीसरा कुछ कैल्सिट्रोजन जीन रिलेटेड पेप्टाइड फैक्टर होते हैं जो कि आपके मेन जेनेटो फ्यूमोरल नर्व से जो हार्मोन्स का रिलेशन होता है उससे होते हैं, और चौथा आपका जो डिसेंट ऑफ द टेस्टिस में मेन रोल प्ले कर रहा होता है वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गुवर्निकुलम. गुवर्निकुलम एक आपके फाइब्रस टिश्यू की बैंडिंग होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है और जिसकी वजह से इसके डिसेंट डाउन होने में आपके हेल्प करता है, और लास्ट में पेरिटोनियम कैविटी. पेरिटोनियल कैविटी जो कि एब्डोमिनल कैविटी की कवरिंग होती है, मेन पेरिटोनियल कैविटी इसको. अब मेरे पीछे जो डायग्राम मैंने ब्लैक बोर्ड पे बनाया है इसमें हम ये देखेंगे कि डिसेंट ऑफ द टेस्ट इंटरटेन लाइफ में कैसे डिसेंट कर रहा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड मंथ से थर्ड मंथ में टेस्टिस आपके एब्डोमिनल वॉल में आपकी कवरिंग होती है, एब्डोमिनल वॉल में होता है प्रेजेंट. सेकेंड मंथ पे सेकेंड टू थर्ड मंथ पे, दिस इज द थर्ड मंथ ऑफ द इंट्रायूटराइन लाइफ में जो टेस्टिस आपके प्रेजेंट होता है आइकल फोसा के, इसकी पेरिटोनियल कवरिंग ये आपकी शो करें, दिस इज द पेरिटोनियल कवरिंग, ये आपका टेस्टिस, और इसको दिस इज द स्क्रोटल सैक. स्क्रोटल सैक में एक फाइब्रस बैंड है कनेक्टिव टिश्यू बैंड से गुवर्निकुलम टेस्टिस बोलते हैं, वो फाइब्रस बैंड आपके बेस होता है स्क्रोटम से, इसके लोअर एंड ऑफ द टेस्टिस से आपके एक फाइब्रस बैंड अटैच होता है. ये थर्ड मंथ ऑफ द इंट्रोटेन लाइफ का सिनेरियो है इसका टेस्टिस का. फिर टेस्टिस डिसेंड डाउन होता है, ये आपका आ जाता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में फोर टू सिक्स मंथ्स में ये आपके सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से फिशियल इंग्वाइनल रिंग से इंग्वाइनल कैनाल में ट्रेवर्स कर रहा होता है. इंग्वाइनल कैनाल में आपके ट्रेवर्स कर रहा होता है मेन, जब से यहाँ पे ये आपकी जो पेरिटोनियम लेयर है वो आपकी कहलाती है प्रोसेसस वेजिनलिस में आपके कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये कवरिंग करने लगता है मेन आपके टेस्टिस की कवरिंग करने लगता है प्रोसेसस वेजिनलिस जाती है. ये आपके भाई गुवर्निकुलम टेस्टिस जो कि फाइब्रस बैंड था जो कि स्क्रोटम से अटैच था, और ये आपके मेसोनेफ्रिक डक्ट के कंटेंट्स में मिलते हैं, मेसोनेफ्रिक डक्ट जो कि आपके एपिडाइमिस और बस डिफरेंस और ये आगे के फीचर बना लेती है. मेन आपका टेस्टिस जो डेवलप हो रहा होता है वो जेनेटल डिस्क से बन रहा होता है टेस्टिस की जो पार्ट होता है. इसके बाद सेवंथ मंथ में एट मंथ पे आके ये जो डायग्राम है एट मंथ पे आके ये आपका डीप इंग्वाइनल रिंग ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल पे आके आपके एट मंथ पे आके आ जाता है एट मंथ ऑफ इंटरवेंट लाइफ. लाइफ में आपके आ जाएगा डीप इंग्वाइनल इसके बाद लास्ट में, और जो आपका जो गुवर्निकुलम का जो फाइब्रस बैंड था वो आपकी उसकी शॉर्टनिंग होने लगती है. शॉर्टनिंग इन द सेंस इसकी शॉर्टनिंग नहीं होती बट जब ग्रोथ हो रही होती है फीटस की ये डिसेंड हो रहा होता है पेरिटोनियल कैविटी की कवरिंग की वजह से, जो आपके प्रोसेसेस वेजिनलिस थी तो ये
नीचे को डिसेंड डाउन आपकी इसकी शॉर्टनिंग दिखा रहा होता है, पर एक्चुअली में शॉर्टनिंग नहीं होती गवर्नेबुलम जो आपका होता है, ये बैंड उतना ही लंबा होता है पर शॉर्टनिंग की वजह से नहीं होती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू का नहीं बना हुआ होता है। इसके बाद लास्ट में 9 मंथ से एंड ऑफ द 9 मंथ टेस्टिस आपके स्क्रोटल कैविटी में आपके आ जाता है, और जो गवर्नेबुलम आपका टेस्टिस का जो गवर्नेबुलम फाइब्रस बैंड था वो आपका कहलाता है टेस्टिकुलर लिगामेंट, टेस्टिकुलर लिगामेंट कहलाता है। और जो आपकी प्रोसेसस वेजिटेरियस थी जो कि आपकी कवरिंग कर लेती है पोस्टरोमीडियल साइड से आपके टेस्टिस को, ये कहलाती है आपकी ट्यूनिका वेजिटेरियस, ट्यूनिका वेजिटेरियस। तो ये ऑल अबाउट द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस के बारे में था। अब मेन कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द टेस्टिस और बताने थे, जो जो एक्सटर्नल जन मेल जेनिटल ऑर्गन के अप्लाइड एस्पेक्ट आपके बारे में बात करते थे। तो अगर हम सबसे पहले अगर अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द पेनिस की बात करें तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है सबसे पहले आपकी फाइमोसिस और सर्कमसीजन, कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस आ जाता है। दूसरा स्क्रोटम की बात करें तो स्क्रोटम में जो कि अभी मैं ट्यूनिका वेजिनेलिस जो आपकी कवरिंग बताया जो कि आपकी पेरिटोनियल तो आपकी प्रोसेस ऑफ वेजिनेलिस का ही आपने किया फोल्डिंग थी, अगर ये आपकी एक तरीके से पेटेंट रहती क्योंकि यहाँ पे ये एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है आपकी जो आपकी पेरिटोनियल में यहाँ पे एक बैंड रह जाता है क्योंकि आपकी ट्यूनिका वेजिनेलिस की कवरिंग रह जाती है और ये आपका बैंड रह जाता है, और फिर आपकी पेरिटोनियल कवरिंग आपकी अगर ये पेटेंट रह जाए तो इस एरिया में आपके कॉन्जेनेटल हर्निया होने के चांसेस को बोलते हैं कॉन्जेनेटल हर्निया। इसी के साथ आपके हर्निएटेड एब्डोमिनल कंटेंट्स हर्निएट आउट हो जाता है। दूसरा हाइड्रोसेल जो टेस्टिस से रिलेटेड है। तीसरा क्रिप्टोकाइडिस बोलते हैं अगर टेस्टिस पूरे तरीके से डिसेंड नहीं होते, और आपके कुछ टेस्टिस से रिलेटेड और क्रिप्टोकाइडिस आता है, हर्निया आता है। इसके बाद एक कंडीशन आती है अप्लाइड एस्पेक्ट में एक्टोपिक टेस्टिस। एक्टोपिक टेस्टिस ड्यूरिंग दिस कोर्स एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक तक अगर टेस्टिस किसी भी रीजन में अगर रह जाए, डिसेंड डाउन प्रॉपर ना हो पाए तो उसको एक्टोपिक टेस्टिस हो जाते हैं। इसी आपके पास देखो तो एक्टोपिक टेस्टिस मेनली आपके एब्डोमिनल आईडिया फोसा वाले रीजन में प्रेजेंट हो सकता है, इंग्वाइनल कैनाल में भी आपके एक्टोपिक टेस्टिस हो सकता है, मेन आपके पेनिस वाले एरिया पे पेनिस पे के रूट ऑफ द पेनिस पे आपके टेस्टिस आपके होगा, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टेस्ट स्क्रोटम पे भी आपके टेस्टिस के चांसेस होते हैं जो कि कहलाता है एक्टोपिक टेस्टिस। ठीक है, इसके बाद वेरिकोसील जो कि पेपोनिफॉर्म प्लेक्सेस जो आपकी एक वीनस सप्लाई जो होती है जो मेन जो बना रही होती है अगर राइट लेफ्ट साइड के टेस्टिस में मोस्ट कॉमनली आपके प्रेजेंट होती है वेरिकोसील उसको कहते हैं, और क्योंकि लेफ्ट वेन रीनल वेन में राइट एंगल आपके ड्रेन कर रही होती है जिससे कि उसे प्रेशर की वजह से उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं और वेरिकोसील होता है, और टॉर्सन ऑफ द टेस्टिस के भी चांसेस हो जाते हैं कि टेस्टिस अपना प्रॉपर मूवमेंट पूरे तरीके से किसी इंजरी की वजह से या उसका रोटेशन ना हो पाएगा टेस्टिस का नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो उसे टॉर्सन ऑफ द टेस्टिस हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिस, डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। थैंक यू।